मंत्री के पास जाते, इसको नागपुर में ही रखो, तो ये चलने वाला है, कुछ बातें सुधरने वाली नहीं है। तो मेरा आपको कहना यही है कि आप पीपीपी मॉडल में इसको बिठाइए, पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इसमें कम से कम देश में मेरी बात सुनिए। मैं 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर चुका हूं और ऐसे लाखों करोड़ के काम 10,000-20,000 में एक मिनट में सैंक्शन करता हूं, तो मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं। हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे फटाफट, तो मेरा मॉडल ऐसा है कि मेरे पास जैसी जैसी बरसात गिरती है वैसे पैसे गिरते। मैं भी इनविट मॉडल में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज गया था, हमारा एक मॉडल लॉन्च किया, 7 दिन का टाइम था, तो हमारे यहाँ 7 दिन का टाइम था, तो मैं फैमिली के साथ गोवा में था, तो पहले दिन 7 घंटे में ओवर सब्सक्राइब हो गया, तो वो डर गए अधिकारी, मुझे फोन किया कि इसको घंटी बजाकर वो स्टॉक इसमें बंद करना है, अब जल्दी आओ जल्दी आओ। अरे मेरे वाला, तुमने 7 दिन के बाद तारीख ली? बोले सर इतना फ्लड आ रहा है पैसे का कि 7 घंटे में अब ओवर सब के अगर नहीं आओगे तो पैसा वापस कैसे करना, ये प्रॉब्लम है। मैं तुरंत गोवा से मुंबई गया, दूसरे दिन बेल बजाकर कार्यक्रम करके खत्म किया। इस देश में पैसे की कमी नहीं है, इस देश में काम करने वालों की कमी है। और मैं आपको भी दोष नहीं देता, मैं हमारे आईएएस ऑफिसर को कहता हूं तुम्हारा ठीक है, तुम ऐसे ही सोचोगे क्योंकि तुम 2-2.5 लाख रुपए महीना कमा दे, मैं तो 200 करोड़ रुपए महीने का आदमी हूं, तुम्हारी और मेरी वेवलेंथ कैसी मैच होगी। तो वो इतना सिक्योर सोचते हैं, पर अब प्रूवन हो गया। तो आप एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके वेटरनरी डॉक्टर को एमएसएमई और कोई स्कीम बनाई जा सकती है, उसमें उसको इम्पावर्ड करके ये गांव गांव में व्यवस्था कर दो और वो जितने सक्सेस स्टोरी करेगा उसके ऊपर उसको इंसेंटिव दो। हमारे यहां प्रॉब्लम क्या है कि अच्छे काम करने वालों को सम्मान नहीं और बुरे काम करने वालों को सजा नहीं। हमारे यहां फाइल आती है, ये अधिकारी बहुत अच्छा है, बोले इसके ऊपर एक भी इंक्वायरी नहीं है, मतलब उसने जिंदगी में कोई काम ही नहीं किया होगा तो इंक्वायरी काहे के लिए लगेगी। कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, अब भाई मंत्री होकर के बोल सकता हूं, काम ही नहीं, रिस्क ही नहीं लेना है, क्यों लेना रिस्क? कल मेरी पेंशन रुक जाएगी, मेरी इंक्वायरी हो जाएगी।